हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉल वीडियो यस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक हॉल लेके आई हूँ एंड दिट्स टाइम इट्स अ मीशो हॉल काफ़ी टाइम से मैंने कोई मीशो हॉल नहीं किया था सो so, बट अभी ना बैक टू बैक आने वाला है मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं कुछ आ गई हैं कुछ, है, कुछ आने वाली हैं कुछ थोड़ा टाइम पहले आ गई थी सो so, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो इसलिए डोंट वरी अभी बहुत जल्दी जल्दी मीशो हॉल जाएँगे तो आज जो मीशो हॉल है इट इज़ अबाउट क्लोदिंग आज मैं सिर्फ आपको क्लोदिंग आइटम्स दिखाने वाली हूँ कि मैंने रिसेंट टाइम में क्या क्या क्लोदिंग लिए हैं कुछ अभी भी ट्रांजिट में है तो वो अभी जब भी होगा तब आएगा तो चलिए स्टार्ट सबसे पहला आइटम है ये सूट ये आप लोगों ने मेरे को दिवाली में पहने हुए देखा होगा सो so यस yes, ये मेरी शॉपिंग तब से चली आ रही है जब से दिवाली टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें शॉप की थी फिर वो ट्रांजिट में रही फिर कुछ बाद में आई एंड ऑल दैट तो इसलिए सबसे पहला है ये आइटम दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड जनासिया ये बहुत अच्छा रहा मैं इसका फोटो यहाँ पर डाल दूँगी आपको दिख जाएगा मैं इसको खोलना नहीं चाहती हूँ बिकॉज उसके बाद में उसको फोल्ड भी मेरे को ही करना पड़ता है गाइज सो या इसीलिए बट या मैं फ़ोटो डाल दूंगी फोटो जिसका नहीं है मैं उसको खोल के आपको दिखाऊंगी सो दिस इज दिस सूट दिस इज एन अनारकली सूट विद अ फ्लेयर्ड प्लेजो एंड दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है एंड जो मटेरियल है ना वो पॉलिस्टर काइंड ऑफ मैं बोलूंगी रेओन है बेसिकली पॉलिस्टर भी नहीं है रेओन फेब्रिक है बट इट इज़ सच अ नाइस पार्टी वेयर सूट आप कहीं भी इसको स्मॉल फंक्शन पार्टी में पहन सकते हैं इट्स अ डिसेंट वन सो so, अभी वेडिंग सीजन के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और सबके प्राइसेस भी मैं यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन करके रखूंगी मुझे ऐसे याद नहीं आएगा अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एज आई टोल्ड मैंने दिवाली में लिया था सो या नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये टॉप एक सेकेंड दिस इज अ ब्रालेट टॉप तो ये ना मैं किसी भी उसके अंदर पहन सकती हूँ जो जैसे मैं डेनिम जैकेट्स या कुछ भी पहनती हूँ उसके साथ मैं इसको पहनूंगी एंड इट इज़ अ पॉलिस्टर मटीरियल मटेरियल पॉलिस्टर ही है एंड इट इज पैडेड तो इसलिए इट्स नाइस सो इट लुक्स लाइक दिस क्वाइट लॉन्ग एकदम ब्राले टाइप नहीं है उससे थोड़ा लंबा एक क्रॉप टॉप टाइप फीलिंग देगा सो so या yeah, मैंने अब तक तो इसको यूज़ नहीं किया है यू कैन सी कि इसमें टैग है बट जल्दी ही मैं इसको पहनूंगी एंड दिखाऊंगी फोटो डेफिनेटली मेरे इंस्टा पर चेकआउट कीजिएगा फोटोज एंड एवरी थिंग सबके ट्रायल्स मेरे इंस्टाग्राम पर जाते हैं गेट सेकेंड आइटम नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये सेट तो एक्चुअली ना दिवाली के टाइम पे तो बहुत गर्मी थी तो इसलिए मैंने ना उस टाइम पे ये दो तीन चीज़ें समर्स वाली ले लिए सो या थोड़ा सा पचका हो चुका है बट एनी वे कोई नहीं हम इनको फिर भी यूज़ कर लेंगे विंटर्स में भी तो नेक्स्ट है ये स्कर्ट सेट ये ना बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसमें ना स्कर्ट ये टॉप है जिसको आप ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हैं या वॉमर भी पहन सकते हैं दोनों तरीके से एंड जो स्कर्ट है इसके साथ उसमें एक हाई स्लिट है एकदम सो इट लुक्सिंग द मेटीरियलिस्टर बट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल so था उस हिसाब से प्राइसिंग के लिए तो आई वु इट्स नाइस डील टू गो फॉर अगर बस आपको कहीं आप जा रहे हो वेशन पेन आपको बस इसको पहनना है एंड यूजर्स नीट टू गो इट विद द फ्लो इसलिए सो या नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट आइटम अगेन आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो ये है मेरा बर्थडे आउटफिट जो मैंने अपने बर्थडे पे पहना था सो दिस इज़ अ जम्प सूट एक्चुअली ये मैंने वैसे ही लिया था बट मेरी बर्थडे तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया था इसलिए मैंने बर्थडे पे यही पहन लिया इट्स अ फुल लेंथ जम्प सूट इसका फ़ोटो भी मैं यहाँ डाल दूँगी अगर मेरे पास फुल लेंथ में होगा तो आई गेस मैंने ना इस ड्रेस में कोई भी फुल फोटो नहीं लिया आई मिस दैट वन सो या एनी चलिए सो दिस इज फ्राम द ब्रांड कॉल्ड रोहान्स ये आपको अदर वेबसाइट्स भी मिलता है बट मैंने मीशो से लिया है इट वॉज ऑल्सो क्वाइट अफोर्डेबल बहुत अच्छा है पॉलिसर मटीरियल है अगेन बट इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल वेरी नाइस एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी वैन यू वेयर इट तो या दैट दैट अगेन दिस वॉज वेरी अफोर्डेबल नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये साड़ी सो दिस कलरफुल साड़ी इज गोइंग ऑल ओवर द इंटरनेट तो मैंने भी ले ली है मैंने इसको रेडी भी करा लिया है लाइक like, इसमें मैंने अपना पूरा वो फॉल एंड एवरीथिंग इज डन बस इसको पहनना बाकी है जल्दी ही आप मेरे को एक वीडियो में देखेंगे इसको पहने हुए कोई मेकअप लुक के साथ डेफिनेटली फॉर शॉर्ट सो दिस इज़ लाइक क्रश्ड साड़ी एंड ऑल दैट ये अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है साड़ी तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ बटिया दैट इस दैट एंड सबसे बेस्ट चीज़ें इसको ना फोल्ड भी नहीं करना पड़ता इसको ऐसे ही आप रख सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी क्रश्ड है इसमें क्या ही क्रश होगा और या नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये लॉन्ग टी शर्ट आप कह सकते हो मैं इसको नाइटी की तरह पहनती हूँ बट इट्स अ लॉन्ग टी एंड द प्रिंट इज दिस मैंने ना इसको दो शेड्स में लिया आपने ना इसको मुझे पहने हुए ऑलरेडी देख लिया होगा मैंने इसमें एक मतलब एक को ऑलरेडी यूज करना स्टार्ट कर दिया है कुछ टाइम से ये भी मैंने दिवाली के टाइम पे ही मेरी आ गई थी बट इट इज़ सो कम्फर्टेबल कॉटन मटीरियल है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है बहुत ब्रीदेबल फेब्रिक है अच्छा है एंड इट्स प्रिटी नाइस सेकेंड शेड जो मैंने इसमें लिया था सेकेंड डिजाइन और शेड यू कैन से देख सकते हैं आप अभी मैंने इसका टेक भी नहीं हटाया है इज दिस वन पिंक इस पर प्रिंट दूसरा है अगेन आप इसको चाहें तो कोई भी पजामा या कैपरी के साथ पहन सकते हैं मैं इसको नाइटी की तरह पहनती हूँ तो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ विदाउट एनी बॉटम वेयर सो या दैट्स दैट उसके बाद फाइनलीज द लास्ट आइटम जो कि क्लोदिंग आइटम नहीं है बट मैं आपको इसी हॉल में दिखाना चाहती थी सो दिस थिंग इज दिस ये भी आप अगर फॉलो करते होंगे इंटरनेट पर इतना वायरल हुआ हुआ है ना ये सॉफ्टवेयर विद टू फेस थिंग एक साइड आपको स्माइली मिलती है एंड एक साइड आपको एंग्री मिलता है सो दिस इज सो अप्रोप्रिएट इफ़ यू हैव अ पार्टनर या फिर आप सिबलिंग या वॉट एवर आप किसी के साथ इसको यूज़ कर सकते हो तो इट इज़ वेरी नाइस वेरी क्यूट जब आपका मूड अच्छा है तो आप ये रखिए जब आपका मूड ख़राब है उस पर्सन से आप गुस्सा हैं तो आप ये कर सकते हैं सो इट्स अ वेरी नाइस एंड क्यूट थिंग इसलिए मैंने बस ये ले लिया ये भी अफोर्डेबल था काफ़ी तो बस या दैट इज़ वाइजस्ट टू दिस वन ऑल्सो एंड गाइज दैट्स इट फॉर दिस मीशो हॉल या दैट्स इट बट डोंट वरी मीशो हॉल्स अभी कंटिन्यूसली मेरे चैनल पर आपको देखते जाएंगे देर आर सो मैनी लॉट टू कम बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास लाइंड अप कुछ होम रिलेटेड हैं कुछ ज्वेलरी है कुछ और कपड़े हैं सो यस देर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ आइटम्स टू शो तो चलिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई विल सी इन माइन नेक्स्ट वन वेरी सून टिल देन टेक केयर स्टे सेफ बाई